हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल को कोई क्लिप या नित्या ब्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आपको मेकअप का लुक कि आप लोग सिंपली घर में कम सामान में आप लोग कैसे, मतलब दुर्गा पूजा हो गया कि कुछ भी हो गया फंक्शन वंक्शन में कैसे आप लोग रेडी हो सकते हैं। तो आज मैं अभी मम्मी जी को रेडी करूँगी, तो आप लोग ब्लॉग में देखिए, मम्मी जी का लुक दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है, और उसके बाद मेकअप के बाद कैसा दिख रहा है। तो आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, और सिंपली पूरा थोड़ा ही सामान में पूरा मैं करके दिखाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो मेरा सारा सामान ये सब ले ली हूँ और अभी मैं स्टार्ट करूँगी मेकअप का। तो पहला मम्मी फेस वॉश कर ली है, फेस वॉश करने के बाद ऐसा है, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलिए, और मैं भी हैंड वॉश कर ली हूँ, और उसके बाद अभी हम लोग सबसे पहले लगाएंगे ये है प्राइमर। तो सबसे पहले हम लोग वो जेल लगाएंगे, थोड़ा सा देखिए मैं बस थोड़ा सा ली हूँ। अगर आप लोग के पास प्राइमर नहीं है तो कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, जो जेल टाइप का है, या फिर एलोवेरा जेल अगर आप लोग के पास है तो वो भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से आराम से हम लोग इसे करके मिला लेंगे। और हल्का सा इसको सूखने देंगे। और उसके बाद हम लोग, आपके पास है फाउंडेशन तो फाउंडेशन लीजिए, अगर आप लोग के पास फाउंडेशन को नहीं लगाना है। तो मेरे पास दो फाउंडेशन है, एक है लैक्मे का और एक है फिट का। तो कोई भी एक साथ लूंगी मैं, सिंपल मैं लैक्मे का ले लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा निकाल, बस थोड़ा सा। अगर ये फाउंडेशन आप लोग नहीं लेना चाहते तो लैक्मे वाला जो बीबी क्रीम आता है, या फिर पॉन्ड्स का जो बीबी क्रीम आता है, वो आप ले सकते हैं, और उसको हम लगाएंगे। तो अभी हम लोग फाउंडेशन लेंगे। तो ये देखिए फाउंडेशन में ले लिया, और इसको थोड़ा थोड़ा करके देखिए पूरा मिल चुका है फेस में। उसके बाद ये डार्क सर्कल जो है उसको हम लोग हटाएंगे। तो उसके लिए हम लोग लेंगे मेरे पास ये कंसीलर है, देखिए रेडियस वाला। तो आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, या फिर ऐसे वाला भी है। तो कोई सा एक मैं सिंपल ये लूंगी इसे करके, और थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी। इसको भी हम लोग डैप डैप करके मिला लेंगे, ये थोड़ा करके इसको भी हम लोग को मिला देना है, ताकि जो ब्लैक है वो हट जाए। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, वही फाउंडेशन है उसी को आप लोग थोड़ा और अंडर आइज में दे दीजिएगा, तो आपका जो ब्लैक है वो हट जाएगा सिंपली। तो अभी इसको डैप डैप कर दूंगी, उसी से हम लोग डैप डैप करेंगे। हट चुका है, और अभी हम लोग देंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये भी मेरा है लैक्मे का, देखिए ये देखिए लैक्मे का है। तो ये मैं डालूंगी, तो हम लोग को थोड़ा सा ही लेना है, हल्का हल्का। इसको भी हम लोग डैप डैप करेंगे, पहले हल्का सा पहले लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग इसको डैप डैप करेंगे।
कोई से आप लोग के पास जो सेड आप लोग का होगा वही इसको भी हम लोग ऐसे डब डब करके ताकि जो फेस में लगा है अच्छे से ब्लेंड हो जाए, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा डब डब करके ही इसको भी मिलाएंगे हम लोग। और जब भी आप लोग यूज़ करें ब्यूटी ब्लेंडर तो थोड़ा सा उसको सूखा मत कीजिएगा, उसको अच्छे से थोड़ा भिगो लीजिएगा, नहीं तो वो ना जो जितना फाउंडेशन है या फिर पाउडर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लेंडर में और आपका फेस में नहीं लगेगा। इसीलिए पहले तो अभी हो गया, इसके बाद हम लोग लेंगे, तो इसके बाद हम लोग लगाएंगे आई शेडो। आपके पास आई शेडो है तो कोई सा भी आई शेडो ले लीजिए। तो ये देखिए मेरा ये आई शेडो है, तो कोई सा भी सेट मेरा थोड़ा खराब भी हो चुका है क्योंकि ये नित्या पटक दी थी मेरा मेकअप सामान। तो कोई सा भी सेट आप ले सकते हैं आपका जैसे साड़ी हो उसी हिसाब से। तो मैं आपको आई शेडो का भी लुक बताऊँगी कि कौन सा अच्छा रहेगा। देखिए पूरा तोड़ दिया नित्या, मेरा आई शेडो ठीक है, जो ब्लशर रहता है वो खराब कर दिया, तो ये सारा ठीक है। तो मैं अभी इसी से करूँगी, तो मैं पहले ब्रश ले लेती हूँ। तो ये है मेरा ब्रश और सिंपली ये ब्रश और इसी ब्रश से करूँगी। इसमें मैं गोल्डन ऑरेंज टेप करूंगी, तो ताकि दोनों कलर मिक्स होके अच्छे से आए। आपको सामने से दिखाऊंगी, तो पहले हम ले लेंगे यही वाला गोल्डन है, यहाँ पे गोल्डन देना है तो दोनों कलर का आएगा। और उसके बाद इसको और थोड़ा ये कर देना है। तो देखिए सब वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख रहा, दिख पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बेस करेंगे, मिक्स हो गया है इसी के कलर का, थोड़ा मुश्किल बन के बन रहा है। और यहाँ से फिर हम लोग जैसे भी कर सकते हैं, पहले गोल्डन लगा सकते हैं या फिर इसको स्टार्टिंग से सकिए, मगर कलर दोनों का ऐसे देना है। और अगर आपको एक ही कलर चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो बस हम लोग का ये हो गया है लाइनर आई शेडो हो गया है। तो देखिए मैं पूरा मेकअप के बाद आप लोग को पूरा लुक दिखाऊंगी। तो मेकअप होने आई शेडो होने के बाद हम लोग लगाएंगे ये लाइनर। ये देखिए कोई सा भी लाइनर ले सकते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे लाइनर करेंगे। पहले आई शेडो होने के बाद ही हम लोग लाइनर करेंगे ताकि जो लाइनर का ब्लैक है वो ज़्यादा अच्छा रहे। तो मैं यहाँ पे स्केच वाला ले रही हूँ, आप लोग हो सके तो लिक्विड वाला भी ले सकते हैं, मेरे पास भी लिक्विड है बट स्केच का तो स्केच ही ले ली। तो जब हम लोग आई शेडो लगाते हैं तो थोड़ा वो ना लाइनर मोटा से रहने से ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा मोटा में ही लगाएंगे ताकि आई शेडो खिल के आए। सिंपली आई शेडो हम लोग लगा लेंगे।
तो ये हो गया है। और अब हम लोग लगाएंगे काजल, तो मैं ये काजल ले ली हूँ। और तो हम लोग काजल भी कम्प्लीट, तो अभी हम लोग करेंगे और थोड़ा सा लोग मैं हम लोग लेंगे लिपस्टिक। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली लाइनर देके भी दे सकते हैं या फिर ऐसे भी, तो मेरे पास भी लाइनर है तो मैं लाइनर दे देती हूँ। लाइनर देने से जो लिपस्टिक लगाना होता है वो बहुत इजी हो जाता है। तो जिस कलर का लिपस्टिक दे रहे हैं उसी कलर का अगर लाइनर रहेगा लिप लाइनर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और थोड़ा इससे लिप थोड़ा बड़ा भी दिखता है। और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे लिप में। अभी लिपस्टिक हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे और देखते हैं उधर उठ गई है। हाँ तो उठ गई थी, लिप का भी हो गया है। अभी बस आईब्रोज का करेंगे और हम लोग उसके बाद हो जाएगा हम लोग का पूरा लुक। तो हम लोग इस पेंसिल वाला से हम लोग ये करेंगे और सिंपली तो हम लोग आई लाइनर लगाएंगे। सॉरी आई शैडो रोज में हल्का हल्का मम्मी का थोड़ा हल्का हल्का हम लोग जैसे है उसके ऊपर ऊपर थोड़ा सा देंगे। तो बस सिंपली हो गया है। और अभी हम लोग सेट करने के लिए मेकअप सेट करने के लिए ये है फिक्सर, है ना, देखिए हुंडा ब्यूटी का है। तो ये वाला हम लोग अभी लगाएंगे। तो आप लोग जब भी लगाइए ये वाला स्प्रे को तो थोड़ा दूर से रख के हम लोग जब भी लगाइएगा थोड़ा दूर से रख के हेयर को ये करके हम लोग दूर से, अभी देखिए हम जहाँ से मार रहे हैं दूर होगा कम से कम इतना दूर रहेगा, है ना। और फिर हम लोग हल्का सा मारेंगे, देखिए मेकअप किया आराम से वो लगा दीजिएगा। और उसके बाद इसको हल्का सा उसी में ताकि हम लोग मेकअप पूरा फिक्स ही रहे करके सिंपली, ताकि कोई पसीना भी ना आए उसके लिए करते हैं हम लोग। जैसे कि पसीना आने से सारा मेकअप धुल जाता है तो इससे हम लोग का मेकअप ना धुलेगा, सिंपली जो है वो हो सकता है। और उसके बाद ये मेकअप हम लोग कम्प्लीट हुआ है और उसके बाद अभी मैं लगाऊंगी बिंदी। तो कोई सा ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं रेड रेड वाला बिंदी दे रही हूँ। और उसके बाद मम्मी का कंघी करेंगे हम लोग, तो मैं सिंपली कंघी करूँगी। अब लोग का आप लोग को मैं हेयर स्टाइल का कुछ नहीं बता रही हूँ, मेकअप हो गया है और फिर हम लोग मतलब आप लोग कैसे दुर्गा पूजा में लुक दे सकते हैं सिंपली जो है। तो मैं यहाँ पर बस एक क्लेचर लगा दे रही हूँ और यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे सिंदूर। तो आप लोग सिंदूर पूरा कैसे भरिएगा देखिए, मेरे को सिंदूर भी जो ये मिलता है ये चांदी का भी रहता है, आप लोग बनवा सकते हैं मेरे पास है।
तो एक एक सिंदूर में वो देता भी है, देखिए ये दिया हुआ है इस सिंदूर में, तो यहाँ पे पूरा भरेंगे मान, क्योंकि साड़ी के साथ ऐसे ही अच्छा लगता है सिंदूर, थोड़ा अच्छे से भरना। देखिए हम लोग का सिंदूर लगाना हो गया है कंप्लीट, और अभी हम लोग फिर आपको दिखाते हैं साड़ी वाला लुक उसके बाद सिंपल। मम्मी गई है अभी साड़ी पहनने, तो तब तक मैं आप लोग से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ और पूरा मेकअप मैं कर दी हूँ, और उसके बाद थोड़ा ज्वेलरी वेलरी पहन के मम्मी का पूरा लुक आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसी दिख रही है मम्मी। और क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा सिंपल ही रहती है, ज़्यादा उनको मतलब तैयार कभी भी नहीं होती, वो जब भी मेकअप कर रहे तो पूरा हंस रही है, बोलती है हम जल्दी से धो देंगे क्योंकि हम इतना मेकअप कभी करते नहीं हैं। और रियली में हम भी इतना मेकअप नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत लगाते हैं, मेरा सिंपल ही मेकअप होता है, तो मेरा जो सिंपल मेकअप रहता है वो मैं आप लोग को दो दिन कुछ दिन बाद दिखाऊंगी, तो वो वाला भी ब्लॉग देख लीजिएगा। मैं ये आप लोग का जैसे कि वेडिंग पार्टी हो गया या फिर लुक जैसे कि साड़ी उड़ी का लुक, अभी जो दुर्गा पूजा हो गया फेस्टिवल है हम लोग का, तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए लाई हूँ। और मेरा जो सिंपल लुक रहता है कि कहीं जाने से या फिर कुछ भी, तो उसका लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे किस टाइप से सजती हूँ, और मैं सिंपल ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, इतना ज़्यादा मेकअप मेरे को अच्छा नहीं लगता है, और मैं इतना ज़्यादा मेकअप बहुत ही बाई चांस ही करती हूँ, मैं सिंपल ही रहती हूँ ज़्यादा, तो उसका भी मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी कि किस टाइप का मेरा सिंपल मेकअप रहता है और हैवी मेकअप कैसा रहता है। तो हैवी मेकअप तो करती नहीं हूँ, तो फिर भी जब अगर हेवी मेकअप करना होगा तो किस टाइप में करूँगी, तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगी और टिप्स भी दूंगी कि कैसा क्या करना है, तो आप लोग टिप्स फॉलो कीजिएगा। और मैं कुछ कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि जैसे कि आप लोग का अंडर आइज वाला या फिर पिंपल रिमूवल हो गया, अगर आप लोग का कोई भी टिप्स चाहिए हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा आपको टिप्स चाहिए, मैं आपको उस टिप्स का वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत जन बोलता है कि आपका ग्लोइंग स्किन है तो पिंपल रिमूवल या फिर ग्लोइंग स्किन के लिए, तो उसके लिए भी मैं ब्लॉग लाऊंगी जल्दी, क्योंकि मैं अभी कर नहीं पाती हूँ तो ब्लॉग लाऊंगी। तो चलिए अभी मैं मम्मी रेडी हो गई है, तो मैं मम्मी का पूरा लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग को कौन सा वीडियो और चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं आप लोग के लिए वही वीडियो लेके आऊँगी। मम्मी का पूरा लुक, और मम्मी कुछ तैयार भी नहीं हुई, बस इतना ही, तो देखिए सिंपली ऐसे तैयार किए और पूरा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से साइड लुक दिखा रहे हैं आपको। मम्मी का भी इतना रेडी नहीं होती है, फर्स्ट टाइम रेडी हो रही है, तो देखिए ये मम्मी का लुक है, और कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इतना ही आज के लिए, अगर मैं दूसरा ब्लॉग लाऊंगी जिसमें मेरा मेकअप होगा और आप लोगों को दिखाऊंगी, तो देखिए ऐसे मैं कितनी अच्छी लग रही है देखिए। तो बस आज का इतना ही, तो अगर आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करके बताइए ब्लॉग, और मेरा भी सिंपल वाला लुक आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।